तो दोस्तों आपने काफ़ी सारी मम्मीज के बारे में सुना होगा एंड काफ़ी सारी कंट्रीज के बारे में भी सुना होगा जिसमें मम्मीज निकलती रहती हैं एंड इजिप्ट का नाम सबसे पहले आता है। तो इंडिया की ही बात कर लें सबसे पहले, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इजिप्ट का टॉपिक किसी और दिन उठाएंगे, बस आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में एक ऐसी मम्मी ढूंढी गई थी, ढूंढी नहीं गई थी, पत्थर को खिसकने से अपने आप आ गई थी। जी हाँ, इंडिया में ही अपने इंडिया में ऐसी मम्मीज खोजी गई थी जो कि सिर्फ 500 साल पुरानी ही थी। तो दोस्तों इस सब की शुरुआत सबसे पहले जापान में की गई थी, और मरे हुए आदमी नहीं, ये तो आपको पता है कि जिंदा आदमियों को इसके अंदर दफनाया जाता था एंड ये आदमी भी खुद ही के थे, खुद की राजी बाजी से जाया करते थे एंड इसके अंदर एक घंटी भी लगा दी जाती थी जिससे यह मालूम रहता था कि वो आदमी जिंदा है या मर चुका। और उसमें खाना डालने के लिए एक छेद हुआ करता था जिसमें से वही खाना डाला जाता था जिससे हमारी बॉडी का मास ज़्यादा ना बढ़े, ऐसे फूड्स जिसकी वजह से मोटापा कम हो। और कुछ मात्रा में जहर भी दिया जाता था जिसके अंदर से बॉडीज के कुछ पार्ट्स अपने आप सिकुड़ जाएं और कमजोर हो जाएं जिसकी वजह से ज़्यादा जगह ना हो, क्योंकि ये सब करना पड़ता है क्योंकि कब्र में भी ज़्यादा जगह नहीं होती और सारे काम वहीं पे करने पड़ते हैं, एक नंबर दो नंबर, समझ सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया की 500 साल पुरानी हिमाचल गेहूं गाँव लाहौल स्मृति में है। दरअसल यहाँ के हर एक आदमी इसको पूजता है एंड भगवान मानता है। दरअसल ये मम्मी काफी पूजनीय मम्मी है। पूजने की बात हुई है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही, स्पेशल हो ही क्यों ना, क्योंकि हर मम्मी इसके नाखून एंड बाल बढ़ते नहीं है। जी हाँ, इसके नाखून एंड बाल बढ़ते हैं एंड ये पहली मम्मी है जो कि बैठी अवस्था में पाई गई है। वैसे ये पहले तो चर्चित में नहीं थे लेकिन अब इसे देखने के लिए लाइन पर लाइन लगी रहती है, यहाँ पर काफी सारे लोग जाते हैं। वैसे तो ये गाँव 6 महीने तक बर्फ में ही दबा रहता है लेकिन जब खुलता है तो काफी लोग जाते हैं। दरअसल मैं भी सोच रहा था कहीं पे टूर जा सकता हूँ, इवन आप भी जाकर देखिए, घर से बाहर निकला करो क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है, तो कीप सेफ एंड सेफ ही रहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जितनी भी मम्मीज मिली है आज तक उसमें कुछ ना कुछ लेप लगा हुआ होता है या कोई ऐसा ऑयल लगा हुआ होता है जिससे स्किन पर ज्यादा डैमेज नहीं होता है, लेकिन इस मम्मी पर कोई भी ऑयल या लेप नहीं लगा हुआ है एंड बिना ऑयल एंड लेप के 500 सालों तक बॉडीज को रखना काफी मुश्किल काम है। तो भाई ये बॉडीज तो अनसुलझे रहस्य में इसीलिए शामिल की गई है क्योंकि इसका अभी तक साइंटिस्ट को कोई भी जवाब नहीं मिला है एंड ये रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें।